हे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आज दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे APS PET को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में है सुरारी, बी में है धनुज, सी में है तमचूर, डी में है तमचर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, तमचूर। सुरारी, सुर का अर्थ होता है देवता और आरी का अर्थ होता है शत्रु, यानी देवता का शत्रु, ये भी राक्षस हो गया। धनुज, धनुष क्या होता है, धनु जमा के जय, जैसा होता है जन्म लेने वाला। और तमचूर किसका है, मुर्गे का। तमचूर किसका पर्यायवाची है, मुर्गे का। और तमचर होता है हमारा, तम माने अंधेरा और चर माने चलने वाला, यानी जो रात में चलने वाला होता है वो कौन होता है, राक्षस होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में है उत्पल, कोमा इंदिवर, कोमा अरविंद। बी ऑप्शन में है सुरतरु, कोमा पारिजात, कोमा कल्पतरु। सी ऑप्शन में है किंकर, कोमा अनुचर, कोमा सहचर। और डी ऑप्शन में है रागापति, कोमा सुधांशु, कोमा मेहताब। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ये सहचर तो है, ये किसका है, मित्र का, यानी साथ में चलने वाला कौन होता है, मित्र। किंकर, अनुचर किसके हैं, सेवक के हैं। ये किसके हैं, कमल के, और ये कल्प वृक्ष के। रागापति, सुधांशु, मेहताब, ये किसके पर्याय हैं, ये सब चंद्रमा के हैं, किसके, चंद्रमा के। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्प का पर्यायवाची है, आपको बताना है सर्प का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में जातरूप, बी में है शार्दुल, सी में है केसी, और डी में है पन्नग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी पन्नग। जातरूप किसका है, सोने का है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है, आपको बताना है कन्यादान में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में संबंध तत्पुरुष, बी ऑप्शन में संप्रदान तत्पुरुष, सी में है अपादान तत्पुरुष, डी में है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, संबंध तत्पुरुष, यानी कन्या का दान। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है, आपको बताना है कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में कर्मधारय समास, बी में है द्विगु समास, सी में है द्वंद्व समास, और डी में है बहुवीरी समास। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा हमारा, द्वंद्व समास, यानी कृष्ण या अर्जुन, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा शुद्ध वर्तनी का रूप है, आपको बताना है इनमें कौन सा शुद्ध वर्तनी का रूप है। ए ऑप्शन में अंतरिक्ष, बी में है आंतरिक, सी में है आंतरिक, डी में है अंतरिक। जिसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी आंतरिक। जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ए को आ में चेंज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा शुद्ध वर्तनी का रूप है, आपको बताना है। ए ऑप्शन में तुष्टि, बी में तुष्टि, सी में तुष्टि, और डी में तुष्टि। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी तुष्टि, हम कैसे लिखते हैं, तुष्टि। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, आपको बताना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन में गोपाल, बी में है पुष्प, सी में है सोना, डी में है अमृत। तो इसका सही आंसर होगा पुष्प, पुष्प क्या हमारा जातिवाचक। गोपाल की बात करें, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, कैसा है, व्यक्तिवाचक। सोना द्रव्यवाचक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन में है समूहवाचक, सी ऑप्शन में है जातिवाचक, डी ऑप्शन में है भाववाचक। तो सुंदरता यानी सुंदर क्या है, इसमें विशेषण है,
और इसमें हमने ता जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, भाववाचक, यानी भाववाचक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। विभाजक अव्यय शब्द है, आपको जाना है विभाजक अव्यय शब्द है, ए ऑप्शन में अथवा, बी में है यदि, सी में है परंतु, डी में है यथा। इसका सही आंसर होगा हमारा परंतु। कौन सा होगा? परंतु। परंतु क्या है, दो वाक्यों को अलग कर देता है, ये विभाजक अव्यय है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निपात, आपको बताना है निपात अव्यय, ये ऑप्शन में है अह, बी में है पास, सी में है ताकि और डी में है भी। इसका सही आंसर होगा डी, यानी भी। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। लता बहुत अच्छा गाती है, आपको बताना है लता बहुत अच्छा गाती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में समुच्चय बोधक, बी ऑप्शन में परिणाम वाचक, सी में समानाधिकरण और डी में है संबंध बोधक। इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी परिणाम वाचक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य संकेत वाचक है, आपको बताना है निम्न में कौन सा वाक्य संकेत वाचक है। ए ऑप्शन में वर्षा होने से फसल खराब हो गई, बी में वह मिलने आता ही होगा, सी में है तुम मेरे मन वृद्धावन और डी ऑप्शन में है यदि तुम गए तो सभी प्रसन्न होंगे। यदि तुम गए तो, यहाँ क्या हो रहा है, एक शर्त वाली बात हो रही है, कंडीशन वाली, यदि तुम गए तो सभी प्रसन्न होंगे, ये क्या हमारा संकेत वाचक वाक्य। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, फिर से आपको बताना है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ये ऑप्शन में है मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, बी में है वह खाना खाकर सो गया, सी ऑप्शन में है मोहन यहाँ कल आया उसने मुझसे बात की, डी ऑप्शन में सोहन को खेलना था अतः वह मैदान में गया। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी ये क्या है संयुक्त वाक्य है, सोहन को खेलना था अतः वह मैदान में गया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। साहित्य समाज का डॉट डॉट है, ए ऑप्शन में अर्पण, बी में है तर्पण, सी में है दर्पण और डी में है निपुण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दर्पण, यानी साहित्य समाज का दर्पण है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी डॉट डॉट पर पहुंच गई, यानी आपको बताना है, यहाँ पे भरना है चारों ऑप्शनों में से, देखना कौन सा आएगा। ए ऑप्शन में प्रकाष्ठा, बी में है पराकाष्ठा, सी में है पतन, डी में है संज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी पराकाष्ठा। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आता क्वेश्चन 17वां नंबर देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है, आपको बताना ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं इसका, ऊंची दुकान में मिठाई रखना, बी ऑप्शन में छोटी दुकान में अच्छा माल रखना, सी ऑप्शन में कोरा बाहरी दिखावा करना और डी ऑप्शन में है ऊंची दुकान में कम सामान रखना। तो इसका सही आंसर होगा कोरा बाहरी दिखावा करना, यानी दिखाने का और रखने का देने का कुछ और। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है, आपको बताना है थोता चना बाजे घना, ये ऑप्शन में मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, बी में है बड़ा आदमी बहुत बोलता है, सी में है ज्ञानी व्यक्ति कम बोलता है, डी ऑप्शन में खोखला चना हल्का होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। ए ऑप्शन में बहु, बी ऑप्शन में गोधूम, सी ऑप्शन में शहीद और डी ऑप्शन में पड़ोसी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी गोधूम। इसका तद्भव क्या होता है, गेहूं, क्या होता है गेहूं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन में हास, बी में है सूर्य, सी में है हस्ती और डी में है लोग। तो इसका सही आंसर होगा यानी लोग। सूर्य क्या होता है, सूरज,
चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ का विलोम शब्द है, आपको बताना है जड़ का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में प्राण, बी में है चेतन, सी ऑप्शन में है जीव और डी में है ज्ञानी। तो जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द है, आपको बताना कृत्रिम का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में है निर्मित, बी में है प्राकृतिक, सी में स्वाभाविक और डी में है असली। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी प्राकृतिक। चलिए फ्रेंड्स आदि से लेकर अंत तक, यानी आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में तदुपरांत, बी में है उद्योपांत, सी में अनंत और डी में आविर्भाव। तो इसका ही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन अधोपांत। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में दीर्घदर्शी, बी ऑप्शन में दूरदर्शी, सी ऑप्शन में है बी लंबी और डी में है दीर्घ सूत्री, यानी दीर्घ सूत्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दीर्घ सूत्री, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन में हतिनी, बी में है बासिनी, सी में है मानिनी और डी में है यशस्वी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा यशस्वी। ये थे फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।